हाँ ध्यान दो बच्चों, दोपहर का समय है, क्लासेस कुछ हो चुके हैं, कुछ हुए नहीं, चलो उठ जाओ एक बार जल्दी से। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। इतनी आवाज आएगी बाद में? हाँ बैठो। थैंक यू सर। नहीं आई आवाज, नहीं आई आवाज, नहीं आई आवाज, नहीं आई, उठ जाओ। अरे नींद जाती है, उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उठ जाओ, नींद नींद चली जाती है। हाँ पहले से, पहले से। बैठो। थैंक यू सर। आई आई इस बार चलो, पीरियड का डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कई बार, है कि नहीं? पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इसकी व्याख्याएं अपन कई बार पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स एंगुलर स्पीड एंड पीरियड। ओके, क्या किसी के पास स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग अपना गाड़ी का वो वाला चाबी है क्या? नहीं है। अपन एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते थे घुमाने की, हाँ चार्जर है, आओ इधर छोटे बाहुबली आओ, वो जो पेन गिरा है वो भी देना, और वो ब्लैक कलर का चार्जर धीरे से निकाल के देना, बाजू में वायर जो है वहां पे चिपक जाएगा, नहीं तो हाँ ऐसे ही दे, फिट तो है ये। हाँ ध्यान दो, दुनिया का कोई भी पेंडुलम क्या होता है? दुनिया का कोई भी पेंडुलम क्या होता है? तो हर एक पेंडुलम की डेफिनेशन फिक्स है। क्या एक ही डेफिनेशन को रट लेना है? बस एक ही डेफिनेशन, कोई भी पेंडुलम पूछे, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो कोनिकल पेंडुलम हो, चाहे वो नहीं, आइडियल में थोड़ी सी बदल जाएगी और सेकेंड पेंडुलम में थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन जनरल व्याख्या यही है। ओके, क्या व्याख्या है? ध्यान दो, व्याख्या है एक रिजिड सपोर्ट है, क्या है रिजिड सपोर्ट? कंकर सपोर्ट। ओके, जिसके ऊपर कोई भी हम फोर्स लगाएं तो उसके ऊपर कोई परिणाम होने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। क्या बोलते हैं? रिजिड सपोर्ट। उससे हमने एक स्ट्रिंग, क्या चीज? स्ट्रिंग को छोड़ दिया। ये स्ट्रिंग कैसी स्ट्रिंग है? तो ये स्ट्रिंग है बच्चों वेटलेस, वेटलेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये है वेटलेस एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसमें इलॉन्गेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इलॉन्गेशन नहीं होगा। इलॉन्गेशन का मतलब जो फैल नहीं जाएगी, जो और लॉन्ग नहीं होगी। ओके, जितनी है उतनी रहेगी। और इस स्ट्रिंग को बच्चों लगाया जाता है एक बहुत छोटा सा लेकिन हेवी मास, छर्रा। देखे हो छर्रा, छर्रा छर्रा ही लेकिन बहुत ज्यादा वजन वाला, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, और उसको हमने जो स्ट्रिंग बांधी है, मान लो धागा है, कपड़े सीने का जो धागा होता है बहुत वेटलेस है लेकिन वो एक्सटेंसिबल होता है, उसको अगर हम थोड़ा सा तान तनाव में लाएं तो वो फैल जाएगा। ये कैसा है? इनएक्सटेंसिबल। ये फैलने वाला
उसको हमने लगाया एक बहुत बड़ा हेवी मास, बड़ा नहीं हेवी मास छोटा है, मास कैसा है यानी ये है बहुत पॉइंट मास माना जाता है इसको, लेकिन हेवी है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा हेवी है। ओके बात समझ रहे हो, अब ध्यान दो, ये जो हेवी मास है इसको बोलते हैं बॉब। कल ही आपको बताया था, समझाया था कि दो होंगे तो बॉब ही बोलने का नहीं, तो बोलने का टू बॉब है कि ना, टू बॉब्स ऐसा। अब ध्यान दो, हमने कहा इसर गए के चेक करने, एक बार सीसीटीवी दिख नहीं रहा मुझको यहां से। संस्कारी कन्या अब पीछे तू ही है ना, चेक करने के लिए बोलूंगा तो कौन जाएगा पीछे, मूड थोड़ा ऑफ है आज दिन भर में, कल दिन भर में आज दिन भर में जितने भी वीडियोस किए सब लॉस हो गए, फायदा नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया तो पहले 15 मिनट तक आवाज़ ही नहीं आई, जो इम्पोर्टेंट था वही चला गया, वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब उसमें आवाज़ डालने से बेहतर है कि उसका वीडियो ही बना के फिर से अपलोड करें। ऐसे अनंत दिक्कतों से अपन गुजर रहे हैं, पता नहीं शायद कोई पाप हुआ होगा, है कि नहीं, उसकी भरपाई खुदा अल्लाह ताला भगवान शायद करवा के ले रहा हो। चलो करते हैं फिर भी, है कि नहीं, उसने जिम्मेवारी लगाई है तो करनी पड़ेगी। आओ मुद्दे पे, हमने बोला एक हेवी मास है, क्या बोला, हेवी मास है, हेवी मास को बोलते हैं बॉब, छोटा सा छर्रा लेकिन बहुत वजनदार, यानी कि अगर मैं उस छर्रे को ऐसे मान लो किसी ने पकड़ के लाया, इतना सा ही छर्रा है, इतना सा दिख रहा है, इतना सा दिख रहा है क्या, हाँ इतना सही छर्रा है, मान लो किसी ने वो मेरे हाथ में रख दिया और मैं उसको उठा नहीं पाया, समझ में आया, इतना वजन है उसका कि हाथ में रख दिया मैं उसको संभालने, फट बोल के नीचे चला गया, इसको बोलने का हेवी मास है, छोटा लेकिन वजन बहुत ज्यादा। देखो कुछ कुछ होते हैं मोटे, वजन कुछ भी नहीं होता, होता है क्या, कुछ का होगा भी नहीं, कुछ की तरफ देखेंगे तो कुछ का होगा भी वजन, अपन उसके बारे में बोल नहीं चले, कुछ होते हैं लेकिन वजन नहीं होता। गुब्बारा, गुब्बारा बड़ा गुब्बारा, कुछ है वजन, ये छोटी बॉडी है लेकिन वजन कैसा है, बहुत ज्यादा, बहुत हेवी मास है। तो हमने इसको डिफाइन किया बच्चों, द हेवी मास कॉल्ड एज बॉब, द हेवी मास कॉल्ड एज बॉब सस्पेंडेड, क्या बोला, सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कहां से छोड़ा गया, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, अब यही अगर आइडियल सिंपल पेंडुलम की बात रही, आइडियल पेंडुलम की, तो यहां पे आ जाएगा द हेवी पॉइंट मास, पॉइंट इतना ही, कितना, ये भी बड़ा हो गया, पॉइंट समझ रहे हो, दिख रहा है ये पॉइंट के इतना, लेकिन कैसा, हेवी यानी हाथ में रखो तो गिर जाओगे ऐसा। अब प्रैक्टिकली ऐसा कोई पॉइंट मास मौजूद नहीं है, लेकिन फिजिक्स इसको एज्यूम करता है, फिजिक्स में 90% चीजें एजम्पशन पे ही चल रही है, अपन मान के ही चल रहे हैं कि ऐसा होगा, है कि नहीं, तो आप मान के चलते हैं अपन ऐसा पॉइंट मास होता है, उसको बोलता है आइडियल सिंपल पेंडुलम। एक होता है सेकेंड्स पेंडुलम, क्या होता है सेकेंड्स पेंडुलम, उसकी भी व्याख्या यही है, उसका केवल पीरियडिक टाइम उसमें आपको आगे लिखना है,
कि जिसका पीरियडिक टाइम इतना इतना होता है उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। बच्चम की ऐसे अलग अलग पेंडुलम हैं, सिंपल पेंडुलम है, आइडियल सिंपल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम है। सबकी व्याख्याओं का बेस यही है। समझ में आया? क्या लिखना है? अ हेवी मास सस्पेंडेड बाय वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कहां से? फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, इज कॉल्ड एज कोनिकल। अब इसको कोनिकल बोलते का है तो इससे काम करवाया जाता है घुमाने का। मान लो ये कोनिकल पेंडुलम है, मानना है क्या करना है क्या मानना है। हालांकि ये तो चार्जर है, चार्जर पेंडुलम, लेकिन अपन इसको कोनिकल मान के चलेंगे। आपने मूवीज में देखा होगा डॉक्टर वो कभी कभी हिप्नोटाइज करने के लिए ऐसा करता है, अभी तुमको नींद आ रही है, अभी तुम सो जाओगे। डॉक्टर नहीं सोता, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं सोता, वो सामने वाला सो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर ही खुद सो रहा था। ऐसे होता है आमतौर पे, ये तो देखा होगा ना। तो ये वाला जो पेंडुलम है, बोलो इसका मोशन किधर चल रहा है? ऐसा टू एंड फ्रो। कौन सा मोशन चल रहा है? टू एंड फ्रो। कोनिकल पेंडुलम ऐसा मूव करता है, दिख रहा है? कोनिकल पेंडुलम कैसे मूव करेगा? ऐसे। जब ये मूव कर रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे कोन का फॉर्मेशन हो रहा है? कोन फॉर्म हो रहा है, एक कोन फॉर्म हो रहा है। कोन फॉर्म हो रहा है, एक कोन फॉर्म हो रहा है। ऐसा कोन फॉर्म हो रहा है, एक कोन फॉर्म हो रहा है। और इस कोन की वजह से इसका नाम दिया है कोनिकल। क्या दिया है? कोनिकल पेंडुलम, राइट बच्चम की? इसका नाम दिया कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि ये कोनिकल शेप फॉर्म करता है। ये ऐसा ऐसा। महिलाएं जब कपड़े धोती है ना, तो बकेट के अंदर जब सोडा डालती हैं, सोडा है कि नहीं, सोडा जब डालती हैं तो सोडा डालने के बाद झाग करने के, झाग समझ दो, फेस करने साथी, डिटर्जेंट सोडा वही तो, एक ही तो है क्या? डिटर्जेंट अलग और सोडा अलग। अच्छा सोडा खाने का भी होता है, हाँ ठीक। तो जो वॉशिंग पाउडर होता है, डिटर्जेंट जिसको बोला जाता है, महिलाएं उसको डालती हैं, और महिलाएं क्या परफॉर्म करती हैं? कोनिकल पेंडुलम वाला टास्क है ना, बकेट के अंदर ऐसा ऐसा घुमाएंगी, फिर और उल्टा घुमाएंगी, तो उसमें झाग तैयार हो जाएगा, फिर उसके अंदर कपड़े डालेंगी, और फिर पति का प्यार उनके लिए जैसा है उस तरीके से कपड़ों को धोएंगी। अच्छा है तो धीरे धीरे से धोएंगी, और अगर पति का प्यार थोड़ा सा ज़्यादा ही हटके है, ले रपा रप, फिर उसको पीटेंगी। ऐसा आमतौर पे पति के तो कपड़े धोती है महिलाएं, है कि नहीं? और पैंट वैंट उसका उठाएगी ऐसे, मानेगी पति है इसके अंदर, और दनादन उसको दे डालेगी। ऐसा आमतौर पे महिलाएं भी इसका इस्तेमाल करती हैं, इस फॉर्मेशन का। अच्छा ध्यान दो, ये जो होता है जुबी डुबी, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? स्लांटेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंडिकेट किया जाता है एल से। किससे? इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। ये है उसका रेडियस, मान लो उसको मैंने स्मॉल आर से इंडिकेट किया, और मान लो ये थीटा इतना चला, कितना चला? थीटा। क्या मैं ये पेंडुलम रख दूं अभी? इसका काम हो गया, समझ में आया? ध्यान, मान लो ये थीटा चला, इस कोनिकल पेंडुलम पे, यहाँ पे पेंडुलम है मान लो, ऐसा घूम रहा है वो, यहाँ पे आने के बाद कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक एमजी और टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ध्यान दो, जो फोर्सेस लग रहे हैं फ्रेम में है आविष्कार, ध्यान देते रहे ना जरा। यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये रेडियस आर है, ये टोटल लेंथ एल है, ये थीटा है। यहां पे इसका मास, उसके ऊपर लग रहा फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स का नाम है एक mg, उसका वेट। और दूसरा एक लग रहा है इधर, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, लेकिन हमें एक्सप्रेशन फॉर इट्स पीरियड भी निकालने को बोला है, और पीरियड को अपन इंडिकेट करते हैं टी से,
इसलिए अपन टेंशन को इंडिकेट करेंगे टी डैश से, किससे? कैपिटल टी डैश। बोलो क्या समझ में आता है? अगर ये थीटा है, अगर मैं यहां से सीधा एक लाइन और खींचूं, तो क्या ये थीटा तो ये भी थीटा? सांगा पटा पटा, क्या ये थीटा तो ये भी थीटा? कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल, जेड एंगल अपन बोलते हैं उसको समझने के लिए, है कि नहीं? जेड के एंगल कभी भी क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ये टी डैश, ये थीटा, तो मैंने टी डैश का एक कंपोनेंट तोड़ा। क्या तोड़ा? एक कंपोनेंट तोड़ा इधर की तरफ। वो कंपोनेंट क्या आएगा? टी, गलत, टी साइन थीटा, वेरी गुड, गलत, दोनों भी गलत। हाँ, एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। ये टी डैश है, टी डैश। हाँ, तो टी डैश का इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा? टी डैश कॉस थीटा, वेरी गुड। इधर की तरफ क्या आएगा? टी डैश साइन थीटा। सर्कुलर मोशन, बैठो यही और दिमाग में चलाओ सर्कुलर। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना, ध्यान दे। टी डैश का इधर की तरफ कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा, टी डैश का इधर की तरफ कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा। क्या और कोई फोर्स लग रहा? मुझको बोलो अब टी डैश का कोई काम रहा क्या? यानी ये तो हट गया टी डैश, टी डैश का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है टी डैश कॉस थीटा, क्या यही एम जी को बैलेंस कर रहा? जब पेंडुलम घूमेगा, घूमर रे घूमर रे, जब ये घूमेगा ना तो ये घूमते घूमते ऊपर आ रहा, ना तो घूमते घूमते, ऐसा हो रहा है क्या कि कहीं पे घूमते घूमते अचानक ऊपर आ गया, घूमते घूमते अचानक नीचे चला गया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अपने अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स क्या नीचे लग रहा होगा, यानी ऊपर वाला बैलेंस कर रहा होगा नीचे वालों को, ऊपर वाला बैलेंस कर रहा होगा नीचे वालों को। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं फ्रेम में है क्या? देखो, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, कह सकता हूं मैं टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बोलो ये टी डैश साइन थीटा किधर लग रहा है बच्चों? टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, यानी टी डैश साइन थीटा किसका काम कर रहा? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, यानी मैं कह सकता हूं टी डैश साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है एम वी स्क्वायर बाय, या तो गुड, या तो एम आर, क्यों लिया ओमेगा स्क्वायर? क्योंकि हमें निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो हमने कहा सेंट्रीपेटल फोर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको बोलेंगे एक किसको, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको बोलेंगे दो, एक और दो, इसको एक इसको दो, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन। तो दो को यानी टी डैश साइन थीटा को हमने डिवाइड किया टी डैश कॉस थीटा से, तो टी डैश साइन थीटा आया एम आर ओमेगा स्क्वायर बटा ये है एम जी। यम ने यम को मारा, टी डैश ने टी डैश को काटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज टैन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, इस जी को हमने इधर भेजा तो इधर बच गया आर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर, नहीं केवल जी टैन थीटा, क्या बचा? जी टैन थीटा। ओके, ये जो है जलेबी पे जलेबी, ये जी है, ओके, हमारा स्टाइल है वो ऐसा, जलेबी पे जलेबी, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, वो जी है, और आर को हमने उधर भेज दिया तो आर उधर बटा में चला गया, ओके, ठीक।
अब ओमेगा का स्क्वायर का स्क्वायर उधर भेज दिया हमने, तो उधर जाके हो गया स्क्वायर रूट और ये हो गया जी टैन थीटा बटा आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड किसकी? ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हमें चाहिए और एक, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, क्या हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T? वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। अरे जानते तो हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, या उसी को लिखते हैं 2πn, वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियडिक टाइम आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। नहीं, अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T है ऐसा? गुड, बहुत लोग नींद में दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू 2π/ω इज इक्वल टू 2π/ω की कीमत मैंने यहां पे रखी तो आया जी टैन थीटा बटा आर। इसी को मैं लिख सकता हूं 2π, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आर बटा जी टैन थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टी, दैट इज पीरियडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब इसको अलग अलग और तरीकों में लिखा जाता है, कौन कौन से तरीके लिखा के देते हैं, समझाते हैं। पहले इतना खरड़ लो, उतार लो, अच्छे से उतार लो। पहले इसको जूम आउट करो, जूम करो, जूम इन जूम आउट क्या होता है वो, उसको करो, उसके बाद इसको करो। हाँ, ध्यान दो बच्चों, इस इक्वेशन को नाम दो इक्वेशन वन, इस इक्वेशन को नाम दो इक्वेशन टू। कहीं पे वन और टू बोले हैं पहले, तो इसको तीन बोलो, इसको चार बोलो। हाँ चलो नाम दे दो जल्दी से, फिर उसके नीचे लिखो इक्वेशन थ्री, इक्वेशन इसका नाम टू है, इसका नाम थ्री है, इक्वेशन फोर ही है। इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स, लिखा जाए इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर, इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, लिखा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ कोनिकल पेंडुलम फुल स्टॉप। अब इतने ध्यान दो, ये मिटा दूं, इसका काम खत्म। इधर ध्यान दो, हमने कहा मान लो इसका हाइट है h, नीचे लग रहा था mg, ऊपर लग रहा था t डैश cos थीटा, और इधर लग रहा था t डैश sin थीटा। ठीक, अगर गौर करोगे बच्चों, ये है l, यह है L। मैंने इस ट्रायंगल को तोड़ा, ऐसा किया, क्या यही ट्रायंगल है वो? ऐसा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है? क्या ये हाइपोटेनस है? क्या ये परपेंडिकुलर है? थीटा के सामने वाली कौन होती है? थीटा को लग के बड़ी वाली कौन होती है? थीटा को लग के छोटी वाली कौन सी होती है? बेस। अपन जानते हैं पंडित बधिरी प्रसाद हर हर
बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको 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 डिवाइड करो, ये किसकी कीमत है, ये किसकी कीमत है, ये किसकी कीमत है, टैन थीटा, राइट। मराठी पढ़ने वाले बच्चे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी पोरग किंवा पोरगी, पोरग भारी पटवायचं असेल तर हसून हसून बोला, मैंने नहीं किया ये तैयार, ये मुझको अभी नाम के एक होनहार बच्चे ने बताया था। अबे तू नहीं, दूसरा अभी था वो, हाँ, लेकिन ये किसी ने मुझको बताया था, ओके, तो मैं उसको शुक्रिया अभी कहा बाद में, क्योंकि बहुत ही गंदी चीज़ उसने बताई थी, ध्यान दो। हाँ, आप जो भी आपको याद रखना हो, पुर्ग क्यों पुर्गी भारी पटवाईचे असेल तर हसून हसून बोला, हसून हसून सा, दूसरा कुछ मतलब मत निकालना, अभी इधर ध्यान दो। मैंने कहा, ध्यान दो, मैंने कहा परपेंडिकुलर, मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन, ये रहा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या, साइन थीटा। क्या मैं कहूं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन संख्या क्रमांक नंबर चार, फ्रॉम इक्वेशन फोर, ध्यान दे। मैं इक्वेशन फोर क्या है, इक्वेशन फोर है टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के बाहर भी है टू पाई, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर बट्टा जी टैन थीटा, क्या है आर बट्टा जी टैन थीटा। मैंने कहा आर क्या है बच्चों, टू पाई अंडर रूट ऑफ आर क्या है, एल साइन थीटा, मैंने इसकी वैल्यू रख दी एल साइन थीटा बटा नीचे कौन रह गया जी टैन थीटा। बोलो क्या थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है आपको, अगर आती होगी तो बोलो मैं टैन थीटा को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, गुड, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ओके। बोलो क्या साइन से साइन कटा, ये कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यही हो जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बटा जी। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बटा जी, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन नंबर पाँच। एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये भी है चार नंबर वाला, ये भी है पाँच नंबर वाला, दो एक्सप्रेशन। मैंने कहा एक काम करो भैया, कॉस थीटा भी निकाल लो इसमें से। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बी कौन, एच, बी कौन, यहाँ के लिए एच, ये वाला हाइट, बेस अपॉन एच हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन, यल। मैंने कहा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो टी इज इक्वल टू आया टू पाए अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे यल है, इनटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, एच बाय यल होल डिवाइडेड बाय इस्माल जी, जलेबी पे जलेबी, नाम जलेबी भाई, एच बाय जी, टी इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एच बाय जी, व्हाट इज एच, एच इज हाइट ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, हाइट ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, एच इज हाइट, ओके, एल स्लांट हाइट है और एच क्या है हाइट। तो इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ स्लांट हाइट, ये वाला और ये वाला नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये वाला एक्सप्रेशन, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ एल, इन टर्म्स ऑफ एच, अच्छा की। तो एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे छे, क्या ये फ्रेम में है, कुछ भी नहीं है, तो यहीं पे लिखता हूं, ध्यान दो, एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल सकते हो चार पांच एंड छ आर
एक्सप्रेशंस फॉर पीरियडिक टाइम यानी पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ, दिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रेडियस या बोलो आर, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल एंड इन टर्म्स ऑफ एच रिस्पेक्टिवली। ठीक, पक्का समझिंग कड़िंग उतारिंग। नाम जलेबी भाई, शुरू करें। अरे करें सवाल, लिखें एक सवाल, लिखें, करें शुरू, लिखो फिर स्टेट, सवाल लिखें स्टेट द फैक्टर्स, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स आर, और स्टेट, स्टेट और स्टेट लॉज ऑफ कोनिकल पेंडुलम, और स्टेट लॉज ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दो मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है कभी कभी। कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 2 marks. How many marks? 2 marks. क्या है सवाल? ध्यान देवे, सवाल है L O भी कहां से है कुछ भी, L A W S laws, क्या चीज? Laws, laws of conical pendulum। ध्यान दो, क्या बोलो? T इज इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ L cos थीटा बटा G। अगर सिंपल पेंडुलम मुझसे पढ़े हो बच्चों, नीट में पढ़े होंगे, अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ये पता होगा नीट वालों को, सिंपल पेंडुलम अपन पढ़े थे। और सिंपल पेंडुलम में पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता था, फ्रेम में नहीं होगा ना, सिंपल पेंडुलम में जो पेंडुलम ऐसा ऑसिलेशन परफॉर्म करता था, यौ यौ ट्यौ ट्यौ ट्यौ, याद आया? इस पेंडुलम के लिए जो कि ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहां से इधर जाएगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलते थे? वेरी गुड, क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड। ये यहां से निकलता था, एक एम्पलीट्यूड पूरा करता था एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके, ये उसकी क्या थी? मेन पोजीशन। ये कौन थी? यहां पे जाता था, यहां से फिर से, फिर यहां से इधर आता था, यानी एक बार यहां से यहां तक ए, फिर ए, फिर ए और वापस आके ए, इसको बोलते थे एक ऑसिलेशन। क्या बोलते थे? जो सिंपल पेंडुलम हुआ करता था एसपी, सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम हुआ करता था, ये सिंपल पेंडुलम, PENDUL, ये जो सिंपल पेंडुलम हुआ करता था, सिंपल पेंडुलम का पीरियड क्या था? तो वो था T = 2 pi under root of L by G, वेर L, व्हाट वाज L? L वाज दिस लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, याद है? वहां पे
वहां पे यल कौन था? लेंथ ऑफ, यहां पे इन कोनिकल पेंडुलम हमने कहा टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाय जी। ये मैंने तब पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि यही एक्सप्रेशन बाद में आएगा और उस बाद में आने वाले एक्सप्रेशन में भी यहां पे जो लेंथ होगी वो वही लेंथ होगी जो कि वर्टिकल लेंथ होगी पेंडुलम की। कुछ याद आया? अब हमने जो पढ़ा उसमें अपना पेंडुलम घूम रहा था ऐसे ऐसे और ये उसका लेंथ था यल, एंगल कितना था थीटा। तो यल का अगर मैं कंपोनेंट मार दूं इसके ऊपर तो क्या आएगा? यल कॉस थीटा। क्या आएगा? यल कॉस थीटा। यानी यहां पे भी टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ यल बाय जी ही है। यल कौन है? यल इज वर्टिकल लेंथ। यल इज वर्टिकल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका वर्टिकल लेंथ। और यहां पे वर्टिकल लेंथ कौन है? यल कॉस थीटा। इसलिए यहां पे टेंशन टी हो गया है 2π अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाय जी। बोर्ड के बच्चों के लिए इतना कुछ काम करें, बोर्ड के बच्चों के ऊपर से कह दो जाने दो। ओके, आ जाओ मुद्दे पे। मैंने कहा टी इज इक्वल टू, मुझको तो बताना पड़ेगा ना, मेरा तो कर्तव्य बनता है, बताऊं कि नहीं बताऊं? बताना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं बताऊंगा तो कौन? मैंने तो कौन बे, कौन कौन कौन, मैंने तो कौन बे। आ जा बोल, क्या टी इज इक्वल टू अभी अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी? मैंने कहा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला नियम, इसको बोलना लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलना इसको? लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलना? लॉ ऑफ लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलना? लॉ ऑफ लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। बोल दिए। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या है? लेंथ देखो, क्या टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कैसे? अंडर रूट में। बस इसको लिखना है। क्या टी का मतलब? क्या पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली के इनवर्सली? डायरेक्टली। कैसी? कैसी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको? टू द, क्या डायरेक्ट लेंथ? नहीं। कौन? स्क्वेयर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ओके, द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, the period of conical pendulum is directly proportional to square root of its length। उसी को बोलते हैं slant height या slant length। okay, एक नियम खत्म, टाटा गुड बाय गया। नंबर दूसरा, law of AG, लॉ ऑफ एजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं इस्माल जी। महिलाएं आमतौर पे घर पे अपने पति को बोलती हैं एजी, बोलती है ना एजी, तो उसको बोलना होता है अरे गधे, लेकिन मुंह पे बोल नहीं पाती ना, प्यार से बोलते हैं अरे गधे एजी, ऐसा मन ही मन में वो सोचते अरे गधे, बोलती क्या लेकिन एजी, उसको बहुत खुशी होती है। हाँ मैं एजी, वाह। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी बोलो, टेंशन, टेंशन नहीं रहे, ये कौन है? पीरियड। बोलो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, नहीं कोनिकल पेंडुलम, कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसको? स्क्वेयर रूट ऑफ जी। ठीक, आंखें क्या बात, यहां तक छैम की। तो इसी को मैंने लिखा द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज कैसा? डायरेक्ट की इनवर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वेयर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, जलेबी पे जलेबी। ओके, हमने बोला नियम संख्या क्रमांक नंबर 3 वो फ्रेम में नहीं है, है ना। चलो नंबर 3, लव ऑफ मास स्मॉल एम मुझको बोलो पीरियोडिक टाइम जिसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। इसमें जो कोनिकल पेंडुलम है, जो कोनिकल पेंडुलम है जिसके मास को हम कहे थे एम और नीचे लग रहा था एम जी, क्या यम कहीं पे दिख रहा बच्चों? दिख रहा है मास, यानी पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब बात को समझो, हाँ, मान लो ये पेंडुलम है, व्हाट इज दिस, दिस इज पेंडुलम, मान लो इसका वजन है 1/6, हेवी होता है हेवी, लेकिन अपन समझ रहे हैं 1/6 है, मान लो समझाने के लिए 1/6 है, तो इसका पीरियडिक टाइम समझ रहे हो क्या है? पीरियडिक टाइम का मतलब क्या, अरे इसके पीरियड का मतलब क्या, ये सिंपल पेंडुलम, इसका मीन पोजीशन यहां पे, मीन पोजीशन से उधर गया, इधर आया, इधर गया, फिर वापस आया, मीन पोजीशन से इधर गया वापस आया, इसको बोलना एक ऑसिलेशन। तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या, जब ये यहां जाए वापस आए, वापस इधर जाए वापस आए, ये हो गया उसका एक रिवोल्यूशन। वैसा इसका एक रिवोल्यूशन कब पूरा होगा, हाँ, जब यहां से अगर मान लो शुरू हो गया घूमना, तो यहां से घूम के फिर से यहीं पे जब आए, तो इसको बोलना एक ऑसिलेशन या एक रिवोल्यूशन, उसका ऑसिलेशन नहीं बोल सकते, एक रिवोल्यूशन। ये जो एक रिवोल्यूशन उसका चक्कर काट रहा है, उसके लिए कितना उसको समय लगता है। अब मान लो ये कुछ छटाक का है, राइट, कुछ छटाक का है, इसको हमने घुमा दिया, अब मान लो हमने 1 किलो का लगा दिए, उसको घुमा दिए, हमने 10 किलो का लगा दिए, उसको घुमा दिए, तो क्या सबका पीरियडिक टाइम अलग अलग होगा? सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें मास वाला टर्म है ही नहीं। कोनिकल पेंडुलम में मास वाला टर्म कहां दिख रहा है क्या? बात समझ में आ रही है? यानी मैं चाहे कुछ छटाक का, चंद छटाकों का लगाऊं, या किलो का लगाऊं, या 10 किलो का लगाऊं पेंडुलम, सबका पीरियडिक टाइम क्या होगा? सेम होगा। इसका मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था क्लास में, अगर आप भूले नहीं हो तो, वो लगाया था अपन ने वो वाला माइक बड़ा वाला, और उसको यहां से खिले से टांगा हुआ था, और उसको अपन काउंट भी किए थे। क्या ये एक्सपेरिमेंट अपन कल करें, कल इसको चेक करके देखते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, ओके, उसके मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, चाहे मास आप छोटा लगाओ, चाहे मास आप बड़ा लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने कहा लॉ ऑफ मास, अब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया, उतार लो। उतार लो।